हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा था कि एक फार्मर होता है, उसके तीन बेटे होते हैं। और तीनों बेटे कैसे होते हैं? झगड़ालू, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। फार्मर उनसे तंग आकर उन्हें एक सबक सिखाता है। क्या सबक था वो? कि उन्हें लकड़ियों का बंडल लेना है और एक एक लकड़ी तोड़नी है। जब उनके सन जो हैं तीनों, वो लकड़ियाँ तोड़ रहे थे, तब भी वो क्या हो रहे थे? लड़ रहे थे एक दूसरे से कि नहीं, मैं पहले तोड़ूंगा। फिर फार्मर क्या कहता है? अभी ये ख़त्म नहीं हुई, अभी आपको क्या करना है, पूरा का पूरा ये बंडल एक साथ तोड़ना है। अब एक एक लकड़ियाँ तो वो तोड़ रहे थे, अब एक साथ ये बंडल तोड़ सकता है कोई? एक अकेला नहीं तोड़ सकता ना। तो फार्मर कहता है कि आपको ये अकेले को तोड़ना है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। दे टुक द बंडल्स थिंकिंग दैट इट विल बी एन ईजी टास्क। When each other tried, they could not break the bundle. They came back to their father and said, "We tried, but the bundle is so strong that we cannot break it." उन्हें लगता है कि ये बहुत easy work है और वो सोचते हैं कि बस जल्दी से हो जाएगा, पर जब वो try करते हैं तो उनसे जो है bundle नहीं टूटता। फिर वो क्या होता है, जब वो थक जाते हैं उसके बाद वो अपने फादर के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने बहुत ट्राई किया, ये बंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम इसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। देयर फादर सेड, उनके पापा कहते हैं, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस? यू कुड ब्रेक ईच स्टिक, बट व्हेन द स्टिक वर्स टुगेदर एज अ बंडल, दे बिकम एज स्ट्रॉन्ग एज अ टी। उनके फादर कहते हैं कि आपने इसमें क्या लेसन सीखा, क्या सबक सीखा? कि पहले तो अगर आप एक एक स्टिक तोड़ रहे थे तो वो आसानी से टूट रही थी, पर जब स्टिक्स के बंडल्स की बात आई, क्योंकि सारी स्टिक एक साथ है ना, तो वो आपसे नहीं टूटी, वो बहुत स्ट्रांग हो गई। क्या बन गई? वो एक टीम बन गई। क्लियर हुआ आपको? अब वो अकेली थी तो वो टूट रही थी क्योंकि वो एक एक स्टिक थी, पर जब स्टिक बंडल में कन्वर्ट हुई तो वो क्या बन गई? एक बंडल की टीम बन गई ना। दे बिकम एज अ स्ट्रॉन्ग एज अ टीम। क्लियर हुआ? यू आर ऑल्सो लाइक इंडिविजुअल स्टिक इफ़ यू आर अलोन। एनी वन कैन डिफीट यू, बट वेन यू स्टैंड टुगेदर एज अ टीम, यू बिकम एज स्ट्रॉन्ग एज दैट बंडल एंड नो वन कैन हार्म यू। His son immediately understood and promised never to fight with each other. फिर उसने कहा कि तुम भी ऐसे एक इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग स्टिक की तरह हो, और कोई भी तुम्हें, तुम अकेले हो, कोई भी तुम्हें हरा सकता है, पर अगर तुम तीनों साथ हो तो तुम एक टीम हो और स्ट्रॉन्ग हो, जैसे ये बंडल है, और कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तो उसके जो सन है उन्होंने समझा और अपने पापा को प्रॉमिस किया कि हम कभी नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से। अब आपको क्लियर हुआ टीम स्पिरिट? अगर हम सब टीम में हैं, हम सब लड़ेंगे नहीं, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीट। लेट्स डू एक्सरसाइज। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। First is, we can do more work when we work together. हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं जब हम एक साथ हों। सही है या गलत? एक साथ होंगे तो ज़्यादा काम होगा ना, इसे true। We are strong when we are alone. हम ताकतवर होते हैं जब हम अकेले होते हैं, नहीं ना? हम ताकतवर जब होते हैं जब हमारे साथ टीम होती है। तो ये फॉल्स हो गया। वी विन व्हेन वी कोऑपरेट विद द टीम मेंबर। हम जब जीतते हैं जब हम टीम मेंबर के साथ कोऑपरेट करते हैं, मतलब जिसे बोलते हैं कंधे से कंधा मिलाकर चलना, जिनके हम साथ साथ चलते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उनकी हर एक बात मानते हैं, तो इसका ट्रू है। अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे जीतेंगे? एंट्स आर सेल्फिश क्रिएचर। जो चींटियाँ होती हैं वो सेल्फिश होती हैं? नहीं ना, चींटियाँ तो एक साथ सबको लेकर चलती हैं। जब आप देखोगे एक चींटी चल रही है तो उसके पीछे बहुत सारी चींटी चलती है ना, तो आंट जो है सेल्फिश क्रिएचर नहीं है।
तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर हुआ आपको?